भाई पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इप्पू भाई के कहने पर आडम और क्रिमिनल बदमाशपुर आ जाते हैं। फिर वहां आडम को एक लड़की से प्यार हो जाता है और हर जगह आडम को वही लड़की दिखाई देती है। अब आगे ओए, क्रिमिनल ने बोला था कि प्यार होता है तो हर जगह वही लड़की दिखाई देती है, मेरे साथ भी वही हो रहा है, तो चलो जल्दी से ये बात क्रिमिनल को बता देता हूँ। अरे शाशा, अच्छा हुआ आप आ गए, मेरे को आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। अबे पहले मेरी बात सुन, मुझे भी तुझे एक जरूरी बात बतानी। अरे नहीं, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। अरे नहीं, पहले मेरी बात सुन ले, वो सुन के तो तू खुशी से पागल हो जाएगा। अरे मैंने पहले बोला ना मेरी बात सुन लो, जरूरी है। अबे नहीं, तू पहले मेरी बात तो सुन ले। नहीं पहले मैं बताऊंगा, ठीक है बाद में आप बताना। अबे सुन लेना पहले मेरी बात। नहीं मैं सोचा हूँ ना, तो पहले मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तो चल पहले तू बता। ठीक है तो सुनो, याद है कल हमको जो लड़की मिली थी जिसको आपने गुंडों से बचाया था ना, उस लड़की मेरे को प्यार हो गया है, आई लव यू। अबे उस लड़की से तो मुझे भी प्यार हो गया था और वो लड़की क्रिमिनल को भी पसंद आ गई, अब मैं क्या करूं? पर क्रिमिनल तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे उस लड़की से प्यार हो गया है? वो क्या है ना साशा, आज सुबह मैं मार्केट जा रहा था तभी मुझे पता चढ़ गया कि मुझे प्यार हो गया है। ओए सुबह क्रिमिनल मार्केट जा रहा था तब, ओए अरे क्या हो रहा है, देख क्या रहा है, जानता नहीं है मुझे, बिल्लू नाम है मेरा। अरे बिल्लू हो या टिल्लू, हमारे एरिया में बदमाशी नहीं करने का। अरे साला ये बदमाशपुर में तो लड़ाई झगड़ा ही सड़ता रहता है पूरे दिन, निकलो यहाँ से, लड़ना बंद करो, क्या तमाशा लगा रखा है। एक सेकंड, मुझे हर जगह वो लड़की क्यों दिखाई दे रही है, ऐसा कैसे हर जगह? अबे ये क्या सब गायब हो गए, इसका मतलब मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, जैसा पिक्चर में होता है हीरो को हीरोइन से। अरे वाह, तब तो तुझे सच में उस लड़की से प्यार हो गया, खुश रहे। अरे पर साशा आप कहाँ जा रहे हो, मुझे अपनी बात तो बताओ जो आप बताने वाले थे। अरे क्या बताऊँ मैं क्रिमिनल को, मुझे भी उस लड़की से प्यार हुआ है जिससे उसको हुआ है। अरे ओ हीरो कहाँ जा रहे हो, रुको। अरे ये तो वही लड़की है, हाँ बोलो क्या काम है। अरे सुनो, मुझे लिफ्ट दे दोगे बस स्टैंड तक? नहीं मैं नहीं दे सकता, और आज के बाद अपनी जुबान पे मेरा नाम भी मत लेना, भूल जाओ मुझे। अरे ये क्या, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? अरे जाने मन, तुम्हारे लिए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, पर ये तो हमारी मजबूरी है जो हमें अब आपसे दूर होना पड़ेगा। अरे ये क्या मुझे जाने मन बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बंदी थोड़ी हूँ। हाँ हम आपको बताने ही वाले थे कि हमें आपसे सच्ची मोहब्बत हो गई है, पर क्या करे हमारा भतीजा भी आपसे प्यार कर बैठा है, इसलिए हमें आपसे दूर जाना पड़ेगा, बहुत दूर, और आपको क्रिमिनल के साथ रहना पड़ेगा, वो आपको खुश रखेगा। पर हमें क्रिमिनल से प्यार नहीं है। हाँ मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करती है, पर क्रिमिनल भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो आपको मुझसे ज्यादा खुश रखेगा। रे छोड़ दे मन्ने, पी रखी से के तूने, इतनी भी जल्दी क्या है, साढ़े छोड़ दे मन्ने, मैं के मुंह दिखाऊंगा फ्री फायर वर्ल्ड में। अरे सकुरा तू येड़ो मिल गए, साशा यहाँ पर है, पर ये सकुरा के साथ क्यों खड़े हैं? अरे क्रिमिनल यहाँ आ गया, जल्दी से भाग जाता हूँ। अरे भाग गए वैसे सकुरा, साशा क्या बोल रहे थे? सब बता दिया से उसने मन्ने, तन्ने प्यार हो गया से, यो बात सच से के? अब तुझे पता चल ही गया है तो क्या छुपाना, हाँ यार हो गया है प्यार। रे साले दूर रहे इधर से, मारे करीब मत आना वरना गोली मार दूंगो। अबे मुझे प्यार हो गया है तो उसमें तू क्यों भड़क रहा है साले? रे चला जा साले, इधर कभी दिख मत जाइयो। अरे यार अभी भी मुझे वो लड़की हर जगह दिख रही है, मतलब मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ, पर मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं उसे भूल जाऊँ, मुझे क्रिमिनल के लिए इतना तो करना पड़ेगा, क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए, यहाँ तक कि उसने मेरे लिए पिछवाड़े पर गोली भी खा ली, तो अब मुझे उसे उसका प्यार दिलवाना ही पड़ेगा। और मेरा क्या है, मैं तो सलमान भाई की तरह सिंगल ही खुश हूँ, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलते। अबे ये तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल तू यहाँ कैसे आ गया? साशा मेरे को पता है, जब आप डिप्रेशन में होने की एक्टिंग करते हो तब आप कॉफी लेके ऐसी ही जगह पर आ जाते हो। चलो बताओ आपको क्या चिंता सताए जा रही है? कुछ नहीं क्रिमिनल, मैं वो जीपीएस भाई को मारने का प्लान बना रहा था इसलिए यहाँ पर आके बैठ गया। अच्छा ठीक है बनाओ प्लान, मैं जा रहा हूँ मेरे बाबू को ढूंढने। गाइस आप लोग एक काम करो जिससे मेरा दुख दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, इस वीडियो को
लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। अरे मैंने सुना है कि अपने ढोलकपुर में आज एक नया एसपी साहब आने वाला है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है वो। हाँ सही कहा, सुना है उसके सामने बदमाशों की पतलून गीली हो जाती है। अरे तब तो अब मेरे को भी अपने काले धंधे बंद करने पड़ेंगे वो। सुन इंस्पेक्टर, इस लड़के को हवालात में डाल दो। ठीक है सर, पर क्या गुनाह किया है इसने? अबे बाजार में टिकटॉक वीडियोस बना रेला था, इसलिए उठा लिया साले को। यस सर, अभी डाल देता हूँ हवालात में और अच्छे से खातिरदारी करूँगा। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आज से ढोलकपुर मेरे अंडर में है, मैं हूँ यहाँ का नया एसपी। गुड मॉर्निंग सर, मैं हूँ पुलिस सब इंस्पेक्टर ढोलकपुर चौकी। अरे इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा ना मेरी जान इंस्पेक्टर, क्योंकि अपुन अब इधर ही रहने वाला है। चलो अब काम की बात करते हैं, मुझे यहाँ के सारे रेट बताओ। मतलब क्या साहब, हम कुछ समझे नहीं हो। अरे शर्मा क्यों रहे हो, बताओ बताओ, हफ्ता तो लेते होंगे ना गैंगस्टर लोग से उनके गलत कामों पे पर्दा डालने का। अरे सर, वो मैं किसी का गेम बजाने 15 लाख लेता हूँ और बाकी इलीगली गन वगैरह बेचने का 5 लाख हो। साहब पहले मैं ये सब नहीं करता था, फिर विनोद साहब ने बताया कि सैलरी से पेट नहीं भरता, 2 नंबर की कमाई जरूरी है। हाँ साहब, ये मेरे साथ रहकर ही सीखा है वो गैंगस्टर लोग से पैसा वसूलना। चलो अच्छा है, करप्टेड ऑफिसर मिल गए, अब हम सब मिलके साथ में 2 नंबर की कमाई करेंगे। अब ये भी बता दो कि कौन कौन से गैंगस्टर के साथ हम मिले हुए है, ताकि उनके इलाके में हम रेड लगाए ना। सर इस शहर के सबसे बड़े माफिया तो हिप्पू भाई है, बाकी रंगा भाई है, जॉन भाई, पीटर भाई और पार्कर भाई है वो। उनके वहाँ से हमें हफ्ता मिलता है, तो उनके आदमी लोग को हम कभी जेल में नहीं डालते और उनके वहाँ कभी रेड भी नहीं करते वो। चलो समझ गया, अब मेरे को क्या करना है इंस्पेक्टर। यस सर। विनोद साहब ने जिन जिन माफियाओं के नाम लिए उन सबकी फाइल्स निकालो, सालों को उनके अड्डे से घसीट के थाने में डालेंगे। यस सर। अरे साहब ये क्या बोल रहे हो, उन सबसे तो हमें हफ्ता मिलता है, हम उन्हें अरेस्ट कैसे करेंगे? तुम जैसे करप्टेड ऑफिसर्स की वजह से ही हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। विनोद मैं तुझे आज से सस्पेंड करता हूँ, दिख मत जाइयो यहाँ वरना गोली मार दूंगा। ठीक है सर, मैं समझ गया हूँ। चलो अच्छा है, जल्दी समझ गया। हेलो हेलो हिप्पू भाई, बहुत बुरी खबर है, वो नया एसपी आया है, उसने मेरे को सस्पेंड कर दिया। अबे क्या बात कर रहा है, क्यों सस्पेंड कर दिया? अरे वो उसे पता चल गया ना कि मैं करप्टेड ऑफिसर हूँ, इसलिए वो। बाबू मोसा ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे ये तो कुछ नहीं है वो, आप बच के रहना क्योंकि वो आपके वहाँ रेड लगाने वाला है नया एसपी। बाबू मोसा पुलिस वाला रेड लगाएगा हिप्पू भाई के वहाँ? मजाक थोड़ी है सब, वो बहुत डेंजर है वो, कि आपकी मर्जी, आप सतर्क रहना। रे इप्पू भाई, वो जीपीएस भाई के आदमी लोग ढोलकपुर पहुंच गए से, तो अब उनको क्या बताना से? उनको बता दो कि वो लोग ढोलकपुर छोड़ के बदमाशपुर चले गए हैं, वहाँ जाके पकड़ ले। ठीक से, तो मैं खुद उनको बदमाशपुर ले चलता हूँ, आडम और क्रिमिनल के पास। ठीक है जाओ, ले जाओ। ये कौन कॉल कर रहा है, आप बोलिए जीपीएस बॉय। ओए पप, मेरे आदमी लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनको आडम का लोकेशन दे दे। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैंने खुद मेरा आदमी भेजा है जो उन्हें आडम तक पहुँचा देगा। ओए ठीक है भाई, और आडम का गेम बजते ही दोनों भाई पार्टी करेंगे, मैं आ रहा हूँ ढोलकपुर 2 दिन में। अरे वेलकम टू ढोलकपुर हबीबी, मोस्ट वेलकम। अरे कब से ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रही, कहाँ होगी मेरी होने वाली बाबू। अरे ई देख, ई रहा, मिल गया, आडम का आदमी है, चल इसे उठा लेते हैं। अरे ये क्या, कौन हो तुम लोग, दिखने में तो तुम लोग किडनैपर जैसे लग रहे हो। हाँ सही पहचाना तूने, हम लोग किडनैपर ही है, तुझे और आडम को उठाने आए है। अरे नूब किडनैपर लग रहे हो, क्योंकि किडनैपर कभी अपने शिकार का नाम नहीं बोलते। साले हमका सिखाएगा किडनैपिंग कैसे करते हैं। चलो बता तेरा दोस्त कहाँ है, बुला उसे। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, जब तक ना ही बताएगा तब तक हम तेरे को मारते रहेंगे, समझा? अरे पर मुझे सच में नहीं पता है, लगता है ये ना ही बताने वाला। चलो अब इसको खत्म कर देते है। अबे साले यहाँ हूँ मैं।
अरे सासा, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये लोग तो मुझे मार ही देते आज। क्रिमिनल मेरे रहते हुए तुझे कौन मार सकता है, और तू हमें क्यों मारने आया है, चल बता। अरे भाई, हमरी तुमसे कुछ दुश्मनी नहीं है, वो तो हमका जीपीएस भाई ने भेजा था तुमको उठाने के लिए। वो बदला लेना चाहते है अपने छोटे भाई लोकेशन का। अच्छा, पर तू ये बता कि तुझे पता कैसे चल गया हम बदमाशपुर में है। अरे वो तो जीपीएस भाई के दोस्त ने बताया, का नाम है वो। रे यो रहा, मिल गया, कब से ढूंढ रहा था इसको आदम, यो तन्ने उठाने आया था जीपीएस भाई का आदमी से। हाँ मुझे पता है, पर ये क्या किया, मार क्यों दिया उसे? तो क्या करता फिर, अगर जिंदा छोड़ता तो वो तन्ने मार देता। अरे ये हमें बताने ही वाला था कि हमारा लोकेशन इसे किसने दिया। अरे वो बोल तो रहा था कुछ, हाँ ऐसा कुछ।